इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। हाँ सर जी, हम नौगढ़ से बोल रहे हैं सर, चंद्रकांता। नौगढ़ चंदौली चंद्रकांता की याद आपने दिला दी कार्यक्रम की शुरुआत में ही। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला कॉल है आपका और देवकी नंदन खत्री जी के उस उपन्यास की बहुत चर्चा रही है और खास तौर से ये कहें कि हिंदी के प्रचार प्रसार में इस उपन्यास का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे लोगों ने चंद्रकांता संतति से आकर्षित होकर के ये भाषा सीखी और आज हिंदी इस मुकाम पर है और वहाँ बहुत सारे धरोहर हैं, ऐतिहासिक किले वगैरह हैं जहाँ से आप बात कर रहे हैं। हाँ सर, बहुत बढ़िया है सर। तो बहुत सारी रहस्यमयी और तिलस्मी बातें उसके बारे में प्रचारित प्रसारित हैं, खासतौर से उपन्यासों में इसका जिक्र था। कुछ ऐसा अनुभव आपने भी किया है वहाँ गए होंगे तो? हाँ सर, हमारा तो वहीं पर घर ही है सर जी। हाँ, वहाँ पर हमारा घर है सर जी। अब वहाँ मतलब बहुत अच्छा है, घूमने टहलने लायक भी है। देवदरी राजदरी है बगल में हमारा जी। और अब तो दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं घूमने फिरने देखने के लिए। और अब तो राजदरी देवदरी का आपने जिक्र किया जहाँ पर जल प्रपात है प्राकृतिक रूप से और बरसात के आसपास और बाद के कुछ दिनों तक बहुत अच्छा मनोरम वातावरण रहता है। हाँ जी सर, बहुत लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सर घूमने के लिए। तो आमतौर पे यही वो वक्त है जैसे आप जुलाई अगस्त सितंबर से लेकर के अभी नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद तो ये झरने सूख जाते होंगे थोड़ी गर्मी का मौसम जैसे ही आता है। इस समय थोड़ा सूख गए हैं सर, इस समय घूमने लायक नहीं होता। जी मतलब, जी जी, थोड़ा झर गया है। यानी बारिश के समय में ही इन पहाड़ियों में और जो झरने हैं उनको देखने का आनंद है। जी, और जी, आपका कामकाज किस चीज का है? सर जी, हम काम यही बनारस में करते हैं, पेंटिंग लाइन का। जी जी, आपने बताया था। तो काम बढ़िया चल रहा है आजकल? तो बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क है और बहुत सारे लोग करते हैं। आप स्वयं करते हैं या किसी ठेकेदार के जरिए करते हैं? ठेकेदार के जरिए भी या स्वयं भी, अपना भी है। जी जी, तो पेंटिंग यानी सारे काम कर लेते हैं आप? हाँ हाँ, डिजाइन टेक्सचर से लेके पेंटिंग में सब सारे काम सर। जी जी, और काम बढ़िया चल रहा है। आपके साथ और भी लोग होंगे जो आपके गांव घर के लोग होंगे, वो करते हैं? हाँ। समूह है कि अकेले करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग पांच लोग हैं। हमारे सूरज हैं, डब्लू हैं और विजय सर हैं। जी जी, और ये प्रोग्राम किस तरह सुन पाते हैं आप और कैसे लगते हैं कार्यक्रम? आजकल खासतौर से बहुत सारी प्रोग्राम में तब्दीलियां हुई हैं, तो अब आपको कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं? पूरे दिन सर सुनते हैं प्रोग्राम सर जी। हेलो, काम करते हुए? हाँ, काम करते हुए भी लगा देते हैं, अपना सुनते भी रहते हैं। जी जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको? वो सर जी अजूबा फिल्म का जाने बाहर आ गया सर जी, यही वाला गाना। अजूबा वाला, अमिताभ बच्चन जो ऋषि कपूर नहीं है सर जी, जाने बाहर आ गया, मुझे खिल के गुलाब हो गई। अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और सुदेश भोसले की आवाजें हैं, साथ में मोहम्मद अजीज हैं। गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अजूबा से। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार सर। शराब हो गई, ओ लोगो शबनम शराब हो गई।
जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों के चलने दे, वो जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों के चलने दे। सब लोगों को धोखा दे दे, जाने मन एक बोसा दे दे, सब लोगों को धोखा दे दे, जाने मन एक बोसा दे दे। देख सके ना मुझको बंदे, तू देखे बाकी सब अंधे, अरे देख सके ना मुझको बंदे, तू देखे बाकी सब अंधे। Mama।
देखो शबनम शराब हो गए, हो देखो शबनम शराब हो गए, देखो शबनम शराब हो गए, देखो शबनम शराब हो गए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरे बाप रे, स्वागत है असगर अली जी शिवपुर से आपका। मैं खुशामदीद बोलूंगा। स्वागतम भी बोलूंगा, खुशामदीद भी बोलूंगा। जी जी, और सुप्रभात भी आप कभी कभी सुप्रभात भी करते हैं, और यही हमारे देश की मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है। और भाषाएं इसी तरह से उदार होती हैं, किसी भाषा से कोई उज्र नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे बनारस में अभी काशी तमिल संगमम हो रहा है, और ये आपस में संस्कृतियां मिलती जुलती हैं। जी जी, और आज जिस उर्दू की हम बात करते हैं, ये उर्दू भी कोई बहुत पुरानी भाषा नहीं है, कोई जुबान नहीं है। पहले फारसी, अरबी, फिर उर्दू, इस तरह से भाषाओं का विकास होता रहता है। आप देखें भोजपुरी जो बोली है वो भी हर 2-4 किलोमीटर पर बदलते रहती है। असगर जी, इसी बातचीत के सिलसिले में आपका फोन कट गया, आप उम्मीद है दोबारा फोन करेंगे और आपसे हमारी मुकम्मल बातचीत गुफ्तगू हो पाएगी। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते। नफीस जी, जब आप नमस्ते कहते हैं तभी मैं समझ जाता हूँ कि आवाज आपकी ही है। कैसे हैं और क्या कहेंगे इस खुशगवार मौसम के बारे में और प्रोग्राम्स के बारे में? जी अच्छे हैं, और मौसम भी काफी सुहाना है और बहुत अच्छा है। अब देखिए मौसम अच्छा हो ना, तो थोड़ा बहुत अगर प्रोग्राम में थोड़ा सा रोजमर्रा के जीवन यापन में कुछ कमियां होती हैं तो मौसम उसे अच्छा बना देता है। कई बार उमस भरा मौसम हो, बारिश भी इतनी ज्यादा हो कि बाहर आप ना निकल सकें, तो बहुत कुछ अच्छा रहते हुए भी मन ठीक नहीं रहता। तो मन ठीक रहता है जब मौसम और पर्यावरण ठीक हो, दोनों ठीक हो। और अभी फिलहाल इतना अच्छा मौसम है, सभी चीज अच्छा लग रहा है, सुबह भी अच्छा लगता है, शाम को भी अच्छा लगता है। जी जी, इसे ही गुलाबी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, इश्क का रंग भी गुलाबी होता है, और जब मोहब्बत हो जाती है तो सब कुछ नजारे बदल जाते हैं, हर चीज को देखने का नजरिया खुशगवार हो जाता है। जी जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और कुछ दिन से हमें यह लग रहा है कि आपकी बातों से एकदम बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हमें तो ये होता अच्छा महसूस हो रहा है, तब तो आपको हम मुबारकबाद देंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आपको और आप जैसे तमाम लोगों को जिनके दिल में मोहब्बत का बसर होता है। देखिए खुदा की बहुत ही नेक नेमत है, हम किसी को जब चाहते हैं, वो चाहे प्रोग्राम हो, पेंटिंग हो, आदमी हो, शहर हो, तो वही नेकी है। उम्र बहुत थोड़ी होती है, इसमें जो कुछ हम अच्छा कर चले, अच्छे जज्बात हासिल कर सकें, यही कामयाबी होती है। बिल्कुल, और आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात सब लोग समझे तो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सारी बुराइयां जो हैं इसी में खत्म हो जाएंगी जब ये बात लोग समझ ले। आप देखिए, हमने तो हर मजहब को पढ़ा है, आप कुरान हदीस या फिर हमारे गीता रामायण महाभारत में जो बातें कही गई हैं, हर दौर में उसमें अपनाने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं रहे हैं। नुक्ताचीनी हर चीज में होती रही है, लेकिन जो सच्चाई है, जो नेकी है, जो मूल्य है, जो वैल्यूज है, जो तहजीब है, वो कायम रहती है, और कायनात उसी से चलती है, इन्हीं अच्छी खूबियों के चलते चलती है। जी हाँ जी हाँ, जैसे कि मान के चलिए गीतकार ने क्या अच्छी भजन भी लिखा है और क्या अच्छे कव्वाली भी लिखे हैं। जी जी, उसे मोहब्बत थी। जी बिल्कुल, और रफी साहब ने कितने अच्छे भजन गाए हैं, वो नंदलाल के भजन हो, भगवान शिव के भजन हो, राम का भजन हो, तो किसी भी चीज से आदमी, एक वो कहते हैं ना, इश्क का जज्बा इबादत से बड़ा हो जाएगा, शर्त यह है आशिकी पुरजोर होनी चाहिए। जब आप किसी चीज को शिद्दत से, बहुत ही दिल से उस चीज को पेश करते हैं, तो वो इबादत का जज्बा हो जाता है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल, जैसे हमारे बहुत फेवरेट गीतकार है, उन्होंने लिखा था बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, जी जी, उन्होंने लिखा था मुबारक हो सबको आज का महीना। और देखिए वो गीत आज तक लोग सुनते हैं, तमाम लोग सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं। जी जी, हम लोग मिलकर सुनते हैं। जी मौसिकी तो वो है, आप देखिए इबादत तक उस हद तक जाती है, वो चाहे साहित्य की बात हो, अदब की बात हो, या म्यूजिक की बात हो, मौसिकी की बात हो, ये सारा आपको उस दुनिया से जोड़ने के माध्यम है। बहुत सारे जो हजरत हुए, ख्वाजा हुए, वो संगीत के माध्यम से ही उन्होंने ऊपर वाले तक अपना जो एक लिंक है, संपर्क स्थापित किया। आज इसी बात पर एक गाना सुनाइए, मैं तेरा हो गया प्यार में खो गया, छोड़ के सारा रस्म और रिवाज, मेरी सनम हो जा तू आज। ये गीतकार हैं समीर, और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम हो बीबी हो तो ऐसी।
ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया नफीस जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मैं तेरा हो गया।
सूरज तो मैं धूप हूँ, हे सूरज तो मैं धूप हूँ, हे काया तो छाया हूँ मैं, तो तू मेरी आँख का ख्वाब है, तेरे ख्वाबों का साया हूँ मैं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार जी, अहमदनगर बैठिया बदरुद्दीन बोल रहा हूँ। क्या कहने, आज बहुत ही हमारे जो कितने अच्छे अच्छे श्रोता है तमाम लोगों से बात हो रही है। आप कैसे हैं और गुलाबी मौसम में आपके जो दिल के और कामकाज के हालात होंगे वो भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह, मैं ये दुआ करता हूँ। बहुत बढ़िया चल रहा है। तो और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं ये भी बता दें, हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आते हैं लेकिन पूछना हम लोगों का फर्ज है। देखिए, पूछना तो आपका फर्ज है, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम आप लोग जैसे चलाएंगे सब बेहतर ही लगेगा ना। जी जी, अब उसमें भी यही है ना कि जो चीजें जैसे आपको माल और मशीनें जैसी मिलती हैं वो आप उसमें बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो जो फॉर्मेट है वो तय करने वाले अलग हैं और हम लोग उस फॉर्मेट में जिस चीज का मुजाहिरा करते हैं वो हमारे हाथ में होता है कि वो हम किस तरह से कितने लगाव के साथ कर पाते हैं। तो उसमें जो कमी बेसी होती है उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये शनिवार को जो एक घंटा आता था सर, ये आधे घंटा क्यों हो गया? अब वो जो तमाम कार्यक्रम जो ढाई से तीन थे ना, लोकगीत और सुगम संगीत वाला, वो प्रोग्राम वहां पर आ गया क्योंकि पहले भी वही होता था और खासतौर से ये भी हुआ ना कि 12:30 के बाद फिल्मी गानों के प्रोग्राम नहीं थे, तो इसलिए वहां ढाई से तीन चले जाने से थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा कि उधर भी आप सभा के आखिर में आधे घंटे गीत संगीत सुन पाएंगे। फोन इन एक घंटे होगा लेकिन शनिवार के दिन आधे घंटे वहां पे रहेगा 12 से 12:30, और बाकी जो आधा हिस्सा है वो भी आपको 2:30 से 3 सुनाई देगा। यानी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये तीन भाग में प्रसारित होगी, शनिवार को 12 से 12:30, फिर 2:30 से 3 और इतवार को 12 से 1। हाँ, कुछ लोगों की मांग भी थी कि मतलब 2:30 बजे एकदम खाली निकल जाए। हाँ हाँ, वो एक ज्यादा गैप हो जा रहा है इस कारण से, गैप हो जा रहा है और लोगों का मांग भी कुछ चोरी हो जाएगी। जी, और एक घंटे का समाचार था तो उसके बाद अच्छा हुआ कि वहाँ पे आधे घंटे प्रोग्राम सुनने को मिल जा रहे हैं। तो और सब बढ़िया चल रहा है, घूमना फिरना होता है कि नहीं? क्योंकि यही एक मौसम है जिसमें बनारस वाले आसपास या अपने शहर में भी निकल पाते हैं, वरना यहाँ पर तो बारिश भी ज्यादा हो तो भी तोहमत और दिक्कत है, दुश्वारियां रहती हैं और गर्मी तो ज्यादा होती है, मुसलसल 6-8 महीने गर्मियां ही होती हैं। ऐसा है सर कि हम लोगों को देखिए हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलता है शनिवार रविवार को। जी जी, और वो दोपहर में 1 बजे काम बन जाता है, बस रविवार को ही घूम लिया जाता है, जहाँ भी घूमना होता है खासतौर से हम रस्सी घाट जाते हैं घूमने के लिए। जी जी बिल्कुल, ये घाट के जो नजारे हैं ना वो बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रभावित किया। वो हमारे बनारस के शायर थे नजीर बनारसी, उन्होंने गंगा पे क्या बेहतरीन कहा, और गालिब भी जब यहाँ पे आए थे तो गालिब ने भी बनारस एक लिखी थी नज्म लंबी सी, उसमें भी गंगा का जिक्र किया था, और बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो एक वो कहते हैं ना कि वो एक अलग तरह का तजुर्बा वहां पर होता है जाने से, तजुर्बा हो जाता है सर, और हफ्ते भर की मेहनत भी जो तो सफल हो जाती है, फिर सुबह जी जी काम में बैठे तो नई चीज होती है और नए नए लोग नए नए तौर तरीके, क्योंकि देश दुनिया से आजकल लोग आ रहे हैं बनारस में, और वो 80 घाट हो या दशाश्वमेध घाट हो या शहर के और तमाम इलाके हों, वहां पर इन तमाम लोगों को देखने मिल जाता है कि कैसे लोग हमारे शहर की ओर आकर्षित होकर आते हैं। कौन सा गाना सुनवा दें आपको? वो हसीना, उषा मंगेशकर और नितिन मुकेश का आवाज में लग जा गले से तन्हाई गीत सुनवाते हैं आपको, आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लग जा गले से
है तन्हाई, प्यार मेरा निकला हर जाई, प्यार मेरा निकला हर जाई। तो ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को। रिकॉर्डिंग हमारी 10:30 बजे के करीब शुरू होती है और 11:15 तक पूरी हो जाती है, तो इस समय का ख्याल रखते हुए आप हमें कॉल जरूर करें। नए नए श्रोताओं का, दूर दराज के श्रोताओं का हम हमेशा स्वागत करते हैं, उनसे बातें करके हमें अच्छा लगता है। फोन नंबर हमारा आप जानते होंगे, नोट भी कर सकते हैं, 0542 यानी 0542 ये वाराणसी का एसटीडी कोड है और फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को 12:30 तक 12 बजे से लेकर के, और बाकी हिस्सा उसी दिन 2:30 से 3 बजे के बीच, और इतवार को पहले की तरह 12 से 1 बजे के बीच। और प्रसारण के बाद AIR वाराणसी, आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल है, वहां भी इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं और तमाम पुराने कार्यक्रम भी वहां पर मौजूद हैं आपके सुनने के लिए। तो इन्हीं इत्तला के साथ हम इजाजत चाहते हैं आपसे, अपने दोस्त अरुण पांडे को अनुमति दीजिए प्रोग्राम खत्म करने की। नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आधा वर्ष भी है, लेकिन नाम तो आज श्रोताओं को आपको बताना होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि नाम खुद बताना चाहिए। तो नाम तो जब हमारा नाम तो बेनाम है। अच्छा, तो आप बता दें कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है और कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सवाल हम हर श्रोता से करते हैं। और मेरा ये जवाब रहता कि मैं रेडियो सुनता ही नहीं, इसलिए कि कोई सेवा विज्ञापन का और कुछ आता ही नहीं। जी जी, और फिर उसकी वजह क्या है जो आप इस कार्यक्रम में फोन करते हैं अगर इतनी नापसंदगी है इसके बावजूद?
इसके बावजूद इसके कहते हैं कि एक बड़ी मीठी मीठी सी आवाज हमको बड़ी वो गन्ना गन्ने के रस से भी मीठा, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे पेशकश गुड़ मिश्री से भी मीठा आवाज हमको सुनने की उम्मीद रहती है। जी जी, तो वो आवाजें तो बड़े छोटे भाई और तमाम नई प्रतिभाओं की भी हैं, और चाहे पंडित जी की हो। जी जी बिल्कुल, वही हमने कहा कि बड़े भाई छोटे भाई और बाकी प्रतिभाओं की भी आवाजें मीठी मीठी गन्ने की पोर की तरह ही हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक ही आवाज आती है। हाँ, आपकी भी आवाज बहुत अच्छी और आप भी बहुत सीधे स्वभाव के हैं। क्यों आप गन्ने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं? गन्ने के झाड़ पर चढ़ाइए, कंटिन्यू हैट्रिक हो गया, हैट्रिक। जी जी, अब आपके जो बड़े भाई साहब हैं वो छुट्टियों पे रह रहे हैं आजकल, हमें लग रहा है, लेकिन अगले हफ्ते आपकी मुलाकात जरूर उनसे इस प्रोग्राम में हो पाएगी। तो अब असगर अली जी, शिवपुर से आप बातें कर रहे हैं, आप नहीं नाम बताने की आपने जिद की है, तो हम आपके जिद की कद्र कर। अरे माशाल्लाह, जैसे अगर तमाम विज्ञापनों से आपको शिकायत है, तो विज्ञापन के बावजूद भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, ये आपका बड़प्पन और नेकी है। जुड़े हुए मतलब क्या है ना भाई, बोले भाई तो वो है, आप छोटे भाई है। जी जी, तो इतना अधिक विज्ञापन हो जाता है, अधिक हो जाता है, एक एक चीज का कंटिन्यू। लेकिन इसमें न तो आपके बड़े भाई छोटे भाई कोई कुछ इसमें कर ही नहीं सकता, ये भी बात है। हाँ वो तो बात सही है। अब ये बताइए कि बनारस से बाहर कहीं आना जाना हुआ कि नहीं आपका नेवी के बाद? नेवी के बाद पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान। जी जी, और इधर दो चार वर्षों में हाल के समय में कहाँ गया? क्या अब उम्र हो जाने के कारण आना जाना कम हो जा रहा लग रहा है? हाँ अभी जो है तो रिटायर होने के बाद कम हो रहा है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी बहुत घुमा फिरा, अब जो तो बुढ़ोती हो गई। जी जी, नहीं बता, दिल भी जवान, दिल 16 का है। अभी वो गीत है ना, जो उसको लोग सुने तो उसको समझेंगे कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान, जो मल्लिका पुखराज ने ओरिजिनली गाया था बहुत पहले। हमारी आपकी भाभी जी कहती है कि अब आदमी बूढ़ा होता तो काम नहीं करता, मैं बोला ये किसने कर दिया। बिल्कुल, अभी मैं पांचवें माले पर चल जाता हूँ बड़ा भाई, क्या कहने। वही अगर आदमी नियमित रूप से किसी भी काम काज को, और स्वयं में एक हौसला और उम्मीद जरूरी है, अपने को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी जी, 15 अगस्त का झंडा जो है, बारिश हो रहा था और उस बारिश में मैं जाके पांचवें माले पर झंडा लगा। अब असगर जी, हम लोगों की 5 मिनट बात हो गई, आप ही कहते हैं कि कम बात करनी चाहिए, अब गीत आप सुनाएंगे या हम सुनाएंगे आपको? देशभक्ति का गीत सुनाइए, या तो गजल सुनाइए, तो जोड़ गजल सुनाइए। नहीं, गजलें तो हम लोग फिल्म वाली ही सुनाते हैं ना, फिल्म के अलावा नहीं सुनाते हैं। हाँ वो सुनाते हैं, ठीक है, लेकिन देशभक्ति के गीत भी फिल्म में आते हैं। आवाज जो हमें एक है, और उसे संग्रहालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, तो माओं से देख बेटे को, बहनों से भाई, ये भी तो फिल्म का ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म तो आप बताते, उसके तो डिक्शनरी आपके पास है। फिल्म सीधा बताते, एक सेकंड, सीधा बताते कि फिल्म गायक सिंगर और ये राइटर, ये सब का डिक्शनरी आपके पास है। फिलहाल सुनते हैं आपकी पसंद पर देशभक्ति गीत। असगर जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आदाब। हिमालय की बुलंदी से कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। We'll be right back.
वतन के नौजवानों से खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासबा होगा वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा उठो हर फूल से कह दो के बन जाए वो अंगारा नहीं तो दोस्त और रुसवा हमारा गुलस्ता होगा वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा हमारे घर को लूटा है हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है भरम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसे टूटा है हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा सिपाही देते हैं आवाज माताओं को बहनों को हमें हथियार ले दो बेच डालो अपने गहनों को के इस कुर्बान बेकुर्बान वतन का हर जवां होगा वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश जी हेलो फरमाइश है लेकिन जो भी श्रोता हमसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं हम ये कहेंगे कि बिल्कुल तत्पर रहा करें क्योंकि बहुत सारे उनके श्रोता साथी हैं जो एक साथ फोन लगाते हैं तो अगर बात जल्दी जल्दी होती है तो यानी पॉज नहीं आता तो अच्छा रहता है दूसरे को वक्त मिल जाता है बताएं नाम क्या है आपका कहाँ से बातें कर रहे हैं आप जी सर आपका जो श्रोता क्या कहने रियाज जी तो लग रहा है ठंड का असर है जो थोड़ा बहुत आप में है जी सर एक सौ दिल्ली में क्या साल हो गए अच्छा बनारस से आप बाहर हैं एक बार और आपने बताया था जी जी तो हमारे जी जी तो इधर आना हुआ कब आए थे आप बनारस में पिछली दफे सर
सर जब से यहाँ आए हुए तो बनारस जाना नहीं हुआ। जी जी जी, तो याद आती होगी बनारस की और बनारस के दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों की। जी बिल्कुल सर, कुछ दोस्त है बनारस की जो बातचीत होती रहती है। और ये तो बनारस अपना ऐसा जमीन है, ये तो याद आनी आना है सर। तो बनारस में तो बहुत सारे इधर बहुत सी चीजें नई नई बनी है और बहुत भीड़ भाड़ होती है तमाम। इधर से दिल्ली आना हुआ ना, फिर लॉकडाउन लग गया तो उसके कारण फिर जो है तो कामकाज बेहतर चल रहा है आपका। हाँ सर, काम। और हम लोगों के केंद्र के अलावा वहाँ के भी प्रसारण आप सुनते होंगे, क्या तब्दीली क्या मुख्तलिफ लगता है आपको? सर इस वक्त यहाँ पे जितने फरमाइशी कार्यक्रम है सारे बंद है। ये जरूर है कि हम लोगों का प्रयास होता है कि जो तमाम श्रोताओं की सहभागिता से जुड़े हुए कार्यक्रम है या होने चाहिए, वो चाहे व्हाट्सएप पर आधारित हो, मेल पर हो या फोन पर हो, वो हमारे यहाँ से चलते रहे। जैसे खतों पर भी जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं के चल रहे हैं। नहीं, हम तो कार्यक्रम बराबर आपसे सुन रहे हैं, मगर ये यहाँ दिल्ली के जितने भी एफएम गोल्ड हुए या अपना ये दिल्ली का एफएम विभाती हुआ, सब जो है कार्यक्रम बॉम्बे से जो रिलीज होता वही यहाँ से चलाते हैं, अपनी यहाँ से कोई कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली से निकल ले। अब बता रहे हैं आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाए? इस भारत से तो कार्यक्रम सुन रहे हैं, व्हाट्सएप के भी चल रहे हैं और हमारे पुराने जितने मिलते थे वो भी चल रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है। जी जी, और तो आपने YouTube पर भी जो अपना कार्यक्रम फोन के। जी ये अच्छा है कि जैसे आप जैसे दूर दराज के जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए फायदा है कि वो अब जब वक्त मिले तो वो YouTube पर आकाशवाणी वाराणसी का जो चैनल है उस पर वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। जी जी जी, तो आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? बरसात की रात के कव्वाली सुनना चाहेंगे सर। जी जी, जो कव्वाली है। जी, बरसात की रात फिल्म से ये कव्वाली हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। और कव्वालियाँ का एक उनका अलग तासीर हुआ करती है और इधर फरमाइशें भी कम आती हैं और कई बार हम लोग भी याद करके कोशिश करते हैं कि पहले तो फिल्म की जितनी पुरानी फिल्म आती थी उसमें कव्वालियाँ होती थी, मगर जितनी फिल्म बन रहे हैं। जी जी, अब थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर अच्छी कव्वाली बनाई जाए तो थोड़ा 5-10 मिनट की कव्वालियां तक हो जाती हैं, तब उनका पूरा तासीर उभर कर आती है। अभी जो हमने आपसे फरमाइशी जो कव्वाली कर रही है कम से कम जो है 10 मिनट के आसपास की। बिल्कुल, और क्योंकि देखें कि आजकल गाने बहुत से ऐसे हैं जो 2.5-3 मिनट के बन रहे हैं, तो उसमें कव्वाली के लिए गुंजाइश बहुत कम हो जा रही है। और लेकिन ये बहुत ही मकबूल पारंपरिक हमारी एक विरासत है, वैसी विधा है, तो इसे जीवंत बनाए रखने की जिम्मेदारी उसी तरह हम लोगों की भी है जिस तरह से कलाकारों की होती है। तो ये इश्क वाली कव्वाली आपको सुननी है, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजें हैं। तो सुनते हैं ये कव्वाली आपकी फरमाइश पर, फिल्म है बरसात की रात। शुक्रिया, नमस्कार रियाज जी। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां, कारवां की तलाश है, ना तो, ना तो, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ओ ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, अब ना तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर है, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को, क्योंकि ये इश्क इश्क है, आ
गैशते दिल रसनोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। क्योंकि वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दें। क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। हबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क जिससे आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क ना पूछे है, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता इश्क के हाथों गर्म लहू विच घुपिया लख पराता दे दे। इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। राह उल्फत कठिन है इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या भर लाऊं। लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मदनि सर धनि पमा मादे निसर निसर निस निसर धनि सर धनि धनि दपा दपा ममा पा पता। लाज राख मोरे जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के लोक लाज को तज के, बन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई बिस का प्याला। और फिर अर्ज करी के इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। अल्लाह रसूल का
फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है। इश्क मूसा इश्क को है तूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा यह के बंदे को खुदा करता है इश्क। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या कहने, आपकी आमद हुई तो एक नया अंदाज आ गया हमारे प्रोग्राम। जी सर, वाह क्या बात है। जी रजा नगर प्रोजेक्ट, यहाँ से शकील अहमद अंसारी बोल रहे हैं। अब शकील जी हुआ ये, मैं वही इंतजार कर रहा था, क्योंकि हमने अभी असगर जी को कहा कि आप नाम बता दें अपना, क्योंकि कुछ एक श्रोताओं ने ऐसा कहा है, लिखा भी है कि श्रोताओं के नाम अगर हम बताते हैं तो कुछ एक लोगों को लगता है कि ये कुछ ही लोगों के नाम पहचानते हैं, लेकिन अच्छा भी ये रहता है कि हर कोई बताए। जैसे हम लोग फोन करते हैं तो बताते हैं कि मैं फला बोल रहा हूँ फला जगह से। जी, तो बहरहाल हम लोग भी यही उम्मीद करेंगे कि हर श्रोता अपना नाम परिचय खुद बताया करे। और बताएं कैसे हैं आप और क्या हालचाल है आपके? मजे में सर, बहुत बढ़िया है। और हम लोग के प्रोग्राम भी मजे में आपको अच्छे लगने चाहिए, मतलब। हाँ हाँ अच्छे लग रहे हैं। और रत्नागिरी 20 मिनट के हो गया है। जी जी, शाम का बहुत खुशी मिली। हाँ सर, बहुत बहुत आप लोग के धन्यवाद। जी जी, अब वो तो जानते हैं, बहुत सा जो धन्यवाद हो जाता है ना, वो स्वाभाविक रूप से हो जाता है, क्योंकि कई तब्दीलियां होती हैं। जैसे समाचारों का समय कम हुआ, वो हमारे महानिदेशालय से कम हो जाता है, तो हम लोगों को फिर गुंजाइश मिल जाती है। वैसे समाचार कॉम्पैक्ट हो गए, इससे बहुत सारे कार्यक्रमों में अच्छा रहा कि गानों के फरमाइशों के कार्यक्रम बढ़ गए उस कारण से। हाँ जी जी सर, जी सर, जी जी। तो बहुत सारी जो कमी थी विविध भारती के कार्यक्रमों की, तो वो कमी थोड़ी हद तक दूर हो गई है। जी जी, 2:30 बजे आ रहा है, मतलब पत्रे के लिए धन्यवाद कार्यक्रम रविवार। जी, वो आप लोगों को बार बार जो कहना था, तो ये हमें, हम लोगों को भी लगा कि ये अच्छा रहेगा कि कुछ श्रोता जिन्हें वक्त हो वो दिन में सुन लें, और कुछ श्रोता जो शाम को वक्त निकालें वहां सुन लें। हाँ, क्योंकि कार्यक्रमों में जो तब्दीली होती है ना, वो हमारे यहाँ मौसम या उजाला या दिन देखकर नहीं होती, वो समय के हिसाब से होती है। किसी मौसम में उस समय धूप होती है, जैसे कई बार आप गर्मियां आएंगी तो आप 7 बजे तक भी धूप हुआ करती है, और इन दिनों 5:30 बजे भी अंधेरा हो जाता है। जी सर, जी सर, जी सर। और हम शाम को सुन नहीं पाते थे, बड़ी खुशी की बात है। जी जी, अब हम 2:30 बजे, हाँ इतना बड़ी पहली बार मैंने सुना। जी जी, हाँ उससे कमेंट्री भी आ रहा था, कुछ मौका नहीं मिला शादी उदी की वजह से। हाँ, इसमें अच्छा एक ये भी सहूलियत है ना कि अगर शाम के समय कोई खास प्रसारण या रिले आ गया या दिन में आ गया, तो वो प्रोग्राम आप हफ्ते में उस दिन तो सुन पाएंगे कम से कम। जी सर, जी सर, जी सर। और सब लोग मजे में है ना? और सब बढ़िया है। अब बता दें किस गाने की फरमाइश है आपकी? फिल्म के नाम वन फूल। ठंडी ठंडी वाला आवाज़। अच्छा, रफी साहब की आवाज़ सुनना चाहते हैं। जी जी, गुलाबी गुलाबी आंखों से पिला दे, मैं पीने का नाम ना लूं। तो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, फिल्म है बन फूल। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गुलाबी गुलाबी आंखों से तू पिला दे तो मैं पीने का नाम ना लूं, मैं पीने का नाम ना लूं। गुलाबी गुलाबी आंखों से तू पिला दे तो मैं पीने का नाम ना लूं। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 बजे। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये प्रोग्राम प्रसारित होता है शनिवार को दिन में 12 से 12:30, और फिर उसी दिन यानी शनिवार को ही 2:30 से 3:00 बजे के बीच, और रविवार को 12 से 1:00 बजे के बीच। और प्रसारण के बाद हमारे कार्यक्रम आप
AIR वाराणसी के YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो अब इन्हीं सूचनाओं के साथ अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए आज का प्रोग्राम खत्म करने की। नमस्कार। रूप तेरा जवानी से है बोझल, रूप तेरा जवानी से है बोझल, आँख तेरी नशे की बंद बोतल, जरा सा घूंघट मुख से उठा दे तो मैं पीने का नाम ना लूं, मैं हाथों में जाम ना लूं। मेरे कदम डोले मैं गिर जाऊं, मेरे कदम डोले मैं गिर जाऊं, तेरी कसम जो पीने फिर जाऊं, पिए बिन होश मेरे उड़ा दे तो मैं पीने का नाम ना लूं, मैं हाथों में जाम ना लूं। तुझसे मैं जान कह गया हूँ, क्या तुझसे मैं जान कह गया हूँ, सावन में मैं प्यासा रह गया हूँ, पिया की जिया की लगी तू जो बुझा दे तो मैं पीने